हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे चित्रकला के जो माध्यम है उसके बारे में। तो देखिए, विश्व स्तर पर जल रंग की खोज, जल रंग के बारे में बात करेंगे तो याद आ जाएगा आपको कि पाल सैंड वाइन जो है, ठीक है, इन्होंने जो है जल रंग की खोज की थी। विश्व स्तर की बात हो रही है, ठीक है, विश्व स्तर। और इसीलिए इन्हें क्या है कि जल रंग के पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, और जल रंग के लिए जो है धरातल कैसी ज़रूरत होती है, तो खुरदरा धरातल का होना ज़रूरी होता है। जल रंग चित्रण के लिए किस प्रकार का पेपर प्रयुक्त होता है, तो मोटा कागज़, ठीक है। कैसे पेपर की ज़रूरत होती है, मोटे कागज़ की। जल रंग चित्रण के लिए किस प्रकार के तुल्य का प्रयोग होती है, तो सेबल ब्रश। कौन सा ब्रश? सेबल ब्रश, ठीक है। पाल सैंड वाइन ने जल रंग की खोज किया था, कहाँ पर किया था, इंग्लैंड में किया था। कहाँ किया था? इंग्लैंड में। और विश्व स्तर पर जल रंग के चित्रण सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉन, ठीक है, व्हाइट और अल्बर्ट ड्यूरर ने किया था। जल रंग चित्रण के लिए भिन्न भिन्न पेपर कौन से हैं, तो कार्ट्रिज शीट, और उसके बाद जो हो गया शीट होगा, सीट नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हो गया सैंडर्स कैंट सीट और फैब्रियन शीट और कैंट शीट, ठीक है। ये सारी शीट्स हैं जो कि जल रंग के लिए, ठीक है, उपयुक्त होती है। जल रंग इसमें अच्छे से होता है अगर आप वाटर कलर करेंगे तो। अब देखिए, वॉट्समैन कंपनी का, ठीक है, इंग्लैंड में जो बनता है पेपर कौन सा है, तो वो कौन सा है, वॉट्समैन पेपर, ठीक है। वॉट्समैन कागज़ के श्वेत छोड़ने की क्रिया, ठीक है, किस रंग में किया जाता है, तो जल रंग में किया जाता है। किस प्रकार के रंग से प्रकाश में अंधकार की ओर बढ़ते हैं, तो जल रंग से बढ़ते हैं। किस रंग में श्वेत रंग मिलाने से, ठीक है, प्रदर्शितता सदैव के लिए ख़त्म हो जाती है, तो किस में, जल रंग में, ठीक है। अब भारत में देखिए जो जल रंग होता है, ठीक है, तो भारत में जल रंग की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था सबसे पहले। और भारत में वॉश पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो अवनींद्रनाथ ही है, ठीक है। कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। वॉश चित्रण का प्रारंभ किस स्कूल से होता है, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से होता है। कहाँ से? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। वॉश पद्धति से भारत माता नामक चित्र की रचना किसने की है, तो ए एन ठाकुर ने की है, ठीक है, यानी कि अवनींद्रनाथ ठाकुर। पूरा नाम इनका क्या है? अवनींद्रनाथ ठाकुर इनका पूरा नाम है, ठीक है। वॉश पद्धति के जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और कहाँ से चित्रण प्रारंभ हुआ है, तो ये बंगाल स्कूल से हुआ है, ठीक। अब देखिए, 1905 की बात करें, तो बंगाल विभाजन के समय अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किस चित्र की रचना की थी, तो भारत माता की थी। कब? 1905 में। अवनींद्रनाथ ने वॉश पद्धति की शिक्षा किससे ली थी, तो ताइक्वान और हिदिशा से ली थी। अब देखिए, ताइक्वान और हिदिशा किसके शिष्य थे, तो ये जापानी गुरु जो है ओकाकोरा के शिक्षा, मतलब ये जो है इनके गुरु थे, ठीक है ना। वॉश पद्धति मुख्य रूप से कहाँ की पद्धति है, तो चीनी जापानी पद्धति है। और जल रंग में किस रंग को मिला देने से उसकी पारदर्शिता शून्य हो जाती है, तो सफ़ेद रंग, ठीक है। अगर जल रंग में हम सफ़ेद रंग मिला देंगे तो उसकी जो है पारदर्शिता जो है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, चित्रकला में जल रंग की तकनीकी की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो पारदर्शक रंग और अपारदर्शक रंग, ठीक है। तकनीकी से कहते हैं तो कलाकार की चित्र रचना की प्रवृत्ति को कहते हैं। किसी चित्र में एक ही बार रंग लगाकर चित्र पूर्ण कर देने से क्या उसको हम कहलाते हैं, वो आला प्राइमा कहलाता है, ठीक है। जल रंग चित्रण की वह कौन सी तकनीक है जिसमें पारदर्शिता रंग लगाने के उपरांत उसके अंतिम रूप आ जाने तक बार बार धुलाई की जाती है, तो वॉश पद्धति। वॉश ही मतलब क्या होता है, धुलना, ठीक है। तो बार बार उसकी धुलाई की जाती है। चित्र में एक सूखे रंग की परत लगाना जिससे नीचे का रंग प्रतीत हो, इसे कौन सी तकनीक कहते हैं, तो इसे ग्लेजिंग तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लेजिंग तकनीक। गुआस तकनीक में किस माध्यम से चित्रण कार्य किया जाता है, तो गोंद तथा सफ़ेद रंग मिला करके। वे कौन सी तकनीक है जिसमें जल रंग, तैल रंग, टेम्पुरा तीनों का इसका मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी है वो? गुआस तकनीक है। कौन सी है? गुआस तकनीक, ठीक है। स्टेपलिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉर्ज सोरा और सेन्याक ने किया था। जल रंग में किस तकनीक के चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से छाया प्रकाश उत्पन्न होता है, तो स्टेपलिंग या बिंदुवर्तना, ठीक है। चित्र में जल रंग की मात्रा को कम करके, ठीक है, रंग से चित्रण करना क्या कहलाता है, तो ये ड्राई ब्रशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ड्राई ब्रशिंग।
जल रंग चित्रण में कितने प्रकार की तुलिका का प्रयोग किया जाता है? तो दो प्रकार की होती है, गोल और चपटा। गिलहरे के बालों से बनी तुलिका का प्रयोग किस रंग के मिश्रण में किया जाता है? तो जल रंग में किया जाता है। जल रंग घोलने के लिए कलाकार किस धातु से बनी प्लेटों का प्रयोग करते हैं? तो फाइबर या चीनी मिट्टी की, ठीक है ना। पोस्टर कलर होता है, अपारदर्शक कलर होता है, ठीक है। अब स्टेपलिंग, स्केपलिंग, ड्राई ब्रशिंग किस रंग के अंतर्गत आते हैं? तो अपारदर्शक रंग के अंतर्गत आते हैं। किस रंग का प्रयोग व्यापारिक, वाणिज्य आदि कामों में किया जाता है? तो पोस्टल कलर का होता है। और विश्व स्तर पर तैल रंग की खोज किसने की थी? यहाँ तक तो हो गया आपका जल रंग के बारे में बात, ठीक है। अब बात आती है तैल रंग के लिए। तो देखिए विश्व स्तर पर, ठीक है, तो विश्व स्तर पर जो तैल रंग की खोज है वो किसने किया था? जान, ठीक है, जान वान आइक तथा हर्बर्ट वान आइक ने। ये दोनों जो है वो भाई थे, ठीक है। इन दोनों ने खोज की थी किसकी? तैल रंग की। तैल रंग की 15वीं शताब्दी में किस देश में खोज किया गया था? तो ये नीदरलैंड, ठीक है, हॉलैंड में जो है, ठीक है, नीदरलैंड। जान वान आइक की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो मेमिनी की आराधना। कौन सी पेंटिंग है इनकी? मेमिनी की आराधना। कैनवस पर किस रंग से चित्रण कार्य किया जाता है? तो तैल रंग से चित्रण कार्य किया जाता है। तैल रंग का पतला करने के लिए किस तैल को मिलाया जाता है? तो लेंसेड ऑयल को, ठीक है ना। ऑयल के चित्रण के लिए किस प्रकार का ब्रश प्रयोग किया जाता है? तो हैंग, ठीक है, हॉग हेयर का जो ब्रश है, ठीक है, वो ऑयल पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अब देखिए भारत में सर्वप्रथम तैल रंग का प्रयोग किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा ने किया था, ठीक है। और तारपीन के तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से। ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपको याद रखना है। तैल रंग से बना चित्र को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वार्निश, ठीक है। तैल रंग लगाने के बाद उसमें वार्निश की परत लगाई जाती है, ठीक है। तो तैलीय ब्रश को किस तेल में क्लीन किया जाता है? तो तारपीन का तेल। जैसे आप ब्रश से आपने चित्र बनाया, उसके बाद फिर क्या करना है आपको उस ब्रश को किसके तेल में? तारपीन के तेल में आप रख देंगे तो उस ब्रश में क्या है कि जो कलर्स वगैरह, ऑयल वगैरह, वो सारे के सारे हट जाते हैं, ठीक है। तैल चित्रण में कलाकार रंग लगाने के लिए क्या सिद्धांत होता है? डार्क टू लाइट, ठीक है, डार्क टू लाइट। क्रेयॉन से बने चित्र में किस वार्निश का प्रयोग किया जाता है? तो डामर वार्निश का, ठीक है। अलसी के तेल का प्रयोग किस चित्रण विधि के लिए किया जाता है? तो तैल चित्रण के लिए किया जाता है। अलसी का तेल याद रखिएगा। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण के कार्य सर्वप्रथम किससे सीखा था? तो अलाघिरी नायडू से सीखा था। किस भारतीय चित्रकार ने भारतीय कला शैली में पाश्चात्य शैली को प्राण दिया था? तो राजा रवि वर्मा ने ही दिया था। तैल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त ब्रश माना जाता है? हॉक हेयर ब्रश, पीछे भी हमने पढ़ा था। किस शैली के कलाकारों ने सबसे अधिक तैल चित्रण का कार्य किया? तो यूरोपीय शैली, ठीक है। कौन सी चित्रण विधि में ईजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो तैल चित्रण में, तैल चित्रण में डिपर का प्रयोग किया जाता है ऑयल रखने के लिए, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।